मैं सतेंद्र, आज मैं आपको बताता हूँ 999 ऑटो फीडर को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। तो जैसे ऐसे मशीन जाएगा, इसमें चारों तरफ रैपर लगा होगा और यहाँ पे एक हम एंगल डालते हैं जिसको फर्स्ट रैपर से उसे रिमूव करना होगा। रैपर से रिमूव करने के बाद सेकेंड्स में हम आते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने के बाद। बाकी मेन बोर्ड से कनेक्शन लाएंगे, कनेक्शन लाने के बाद बैक साइड से हम ऑन करेंगे जो ए टॉर्न ऑन ऑफ का है। यहाँ से ऑन करने के बाद हम NCV को ऑन करेंगे। ये NCV ऑन होने के बाद हम यहाँ पे ये तीन लाइट है, ये तीनों लाइट अगर प्रॉपर तरीके से ऑन है तो यहाँ से हम हाइड्रोलिक को ऑन करेंगे। हाइड्रोलिक ऑन करने के बाद हम बैक साइड आते हैं। बैक साइड में यहाँ पे जो मोटर्स लगा हुआ है, एरो के चीन है, इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है तो हमारा कनेक्शन प्रॉपर है। और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इसके बाद से जो हम एंगल को रिमूव किए थे उसको लाइटर हम यहाँ से मोल्ड को अप करेंगे और उसको रिमूव करने के बाद मोल्ड को हम डाउन करेंगे, देन हम रैम को ऊपर करते हैं। ये प्रॉपर मोल्ड नीचे होने के बाद, रैम ऊपर होने के बाद हम फीडिंग करते हैं। इसमें मटेरियल फिलअप करके यहाँ से फीडिंग है, फीडिंग करेंगे हम। हाँ, फीडिंग कर लिए। फीडिंग करने के बाद एक बार और फीडिंग करने के बाद यहाँ पे हम एक बार वाइब्रेट करेंगे। करिए वाइब्रेट होने के बाद हम जो फीडर है इसको आउटसाइड करेंगे, बाहर करेंगे। इसके बाद से हम वाइब्रेटर को ऑन करेंगे। यहाँ से ऑन कीजिए वाइब्रेटर। वाइब्रेटर के साथ रैम को दबा के हम मोल्ड को उठाते हैं। मोल्ड को उठाने के बाद से यहाँ से ट्रेवल का ऑप्शन आता है, ट्रेवल को ऑन कीजिए, ऑफ करके ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ से दो ऑप्शन है, एक रिवर्स का एक फॉरवर्ड का, तो हमें आगे बढ़ाना होता है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक मैनुअल का है एक ऑटो का है। तो यहाँ से जैसे कि हमें मैनुअल में करके होते हैं तो जितना आगे ले जा सकते हैं उसको ले जा सकते हैं, वहाँ पे अगर हम ऑटोमेटिक में करते हैं तो यहाँ से हम टाइमिंग फिक्स करते हैं। जैसे कि हमारा ब्रिक्स जितने साइज़ का निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम टाइमर सेट करते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक में करते हैं तो उतना ही आगे बढ़ेगा। हम यहाँ पे पहले ऑटोमेटिक में आगे बढ़ाएंगे, तो ऑन कीजिए। ये ऑन किए, आगे आया, ऑटोमेटिक रुक गया। अभी से हम मैनुअल में एक बार ऑन करें। मैनुअल किए, ये ऑटो है। हाँ, ऑटो में है अभी, इसको मैनुअल कीजिए। हाँ, मैनुअल में करने के बाद हम फिर से ऑन करेंगे ट्रेवल। ये आता रहेगा, वो ऑटोमेटिक आता रहेगा मैनुअल में। फिर यहाँ से आप क्लोज कर दें, क्लोज कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऑटो टर्निंग का देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ट्विंग का, तो सेकेंड्स जो लीवर है उसको हम पहले उठाएंगे हाइड्रोलिक पे, दबाइए उसको। यहाँ से थोड़ा हाइट होगा, हाइट होने के बाद हाँ 360 पे रोटेट करेंगे, रोटेट कीजिए। पूरा रोटेट कीजिए पूरा। हाँ, फिर इसके बाद से हम जैसे रोटेट हो गया इसको सीधा कर लेंगे, जैसे कि हमने टर्न करने के बाद। उसके बाद से हम इसको हाइड्रोलिक है उसको डाउन करेंगे, डाउन कीजिए। यहाँ से डाउन होगा, डाउन करने के बाद फिर से हम अगला प्रोसेस कर सकते हैं।